हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन हायर प्लांट्स में ये कैसे होता है हम देखेंगे। जो भी लोअर प्लांट्स है उनमें हमने देखा कि लोअर प्लांट्स में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलग अलग टाइप्स मोड्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हायर प्लांट्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसका मोड कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या इवेंट्स इसमें होते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम ही देखा था, इसमें जो है देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म होते हैं एंड एज वेल एज उसमें उन गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एक्सक्यूज मी, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं हायर प्लांट्स में। अब ये जो हायर प्लांट्स है जब वो मैच्योरिटी रीच करते हैं उसके बाद ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैच्योरिटी अब कैसे उनमें आती है, तो वो जब सेल डिफरेंशिएशन उनमें होगा, उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो तैयार होंगे, उन रिप्रोडक्टिव सेल्स से जब गैमेट्स फॉर्म होंगे उस वक्त हम कह सकते हैं कि उस हायर प्लांट में मैच्योरिटी आ चुकी है। नाउ दैट प्लांट इज़ रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले जो फेज़ होता है उसे कहते हैं हम जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज उसको कहते हैं। उस वक्त, उस दौरान उसमें तैयार होते हैं लीव्स, रूट्स, स्टेम, ये वेजिटेटिव पार्ट्स उसमें तैयार होते हैं। जैसे ही वो वेजिटेटिव पार्ट या फिर जुवेनाइल पार्ट फेज़ उसमें ख़त्म होता है उसके बाद शुरू होता है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, हायर प्लांट्स में हमें जनरली इजीली ये जब जो चेंजेस है फ्रॉम जुवेनाइल टू रिप्रोडक्टिव फेज़ ये हायर प्लांट्स में हमें आसानी से दिखाई देते, दीज आर सीन इजीली इन हायर प्लांट्स। और वो कब दिखाई देते हैं, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के वक्त हमें जो है ये इजीली जो है वो दिखाई देते हैं ये चेंजेस वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव में। अब एक्सक्यूज मी, रिप्रोडक्शन अगर किसी भी हायर प्लांट को करना है तो उसमें एक ऑर्गन होना बहुत ज़रूरी है और वो ऑर्गन होता है फ्लावर। दैट ऑर्गन इज फ्लावर। फ्लावर ये एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स में जो कि खास तौर पर बनाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, फ्लावर का फंक्शन जो होता है वो होता है हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करना। हैप्लॉइड गैमेट्स वो फॉर्म करता है और वो ये देखता है कि उस प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा, उस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ग्रेन्स वहाँ पर आएंगे, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे की प्रोसेस होगी, ये सब ये फ्लावर के फंक्शंस होते हैं। अब फ्लावर जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, हमारा जो मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा है कि एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें चार अलग अलग तरह के व्हर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर जो होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स, उसके अंदर जो होता है वो होता है कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम और सबसे अंदर जो होता है उसे कहते हैं हम गाइनोशियम। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चारों जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। कैलिक्स करोला एसेसरी वर्ल्स होते हैं और जो एसेंशियल वर्ल्स होते हैं वो होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ओके, सो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है मियोसिस, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है और उसके बाद वहाँ पर फॉर्म होता है, देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जब मियोसिस होता है इट गिव्स राइज टू गैमेट्स। और दूसरा इम्पॉर्टेंट
इवेंट इसमें जो है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. सो गैमेट्स फॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मियोसिस होना. जब ये फ्यूजन होता है दो गैमेट्स के बीच में, उसके बाद होता है जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से फिर हमें एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ये दो ऑर्गन्स हमें मिलते हैं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये दो मिलते हैं. और उसके बाद उस एम्ब्रियो से जो होता है तैयार वो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स. उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं. ठीक है, ये सब इवेंट्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर जो है तीन बेसिकली इवेंट्स इसमें काफ़ी ज़रूरी होते हैं. एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले के कुछ इवेंट्स, उसमें होता है मियोसिस, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है. और तीसरी जो प्रोसेस है जो इम्पॉर्टेंट है वो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन की बाद की इवेंट्स. उसमें होता है जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, वो होते हैं सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो तीन इवेंट्स इसमें होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. एक एक करके हम तीनों भी ये देखने वाले हैं. ठीक है, सो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमें पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी हायर प्लांट में जब होता है तो जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं. और ये अलग होने के कारण सेक्सुअल जो भी स्पेसीज में ये सब होता है उस स्पेसीज में काफ़ी वेरिएशंस जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं. यू कैन सी लॉट ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमें यह भी पता है कि ये जो वेरिएशंस यहाँ पर आते हैं उन वेरिएशंस का उस हायर प्लांट के लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज दीज वेरिएशंस दीज आर वेरी यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट स्पेसीज. वो स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए और उसके इवोल्यूशन के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. सो वेरिएशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसीज. ठीक है, सो इसमें जो है मैंने कहा था कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं. पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं. दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन का इवेंट जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है. और तीसरा जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, बाद में सीड्स फॉर्म होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म है ऑफस्प्रिंग है वो तैयार होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, यहाँ पर लिखा है, देखिए थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. ओके, तीन इवेंट्स होते हैं, तीन चेंजेस होते हैं. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर. अब ये जो फ्लावर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये फ्लावर क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है. सो सबसे पहले जो है फ्लावर, उसमें हम देख चुके हैं कि फ्लावर में जो है यहाँ पर थैलेमस होता है, ठीक है, ये ग्रीन वाला सेपल होता है, ये जो है ये पेटल होता है, फिर ये जो लंबी वाली जो स्टिक दिखाई देती है उसको फिलामेंट कहते हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो दिखता है उसको हम एंथर कहते हैं. ओके, फिर ओवरी सॉरी ये कार्पेल जो है वो हमें पता है, उसमें सबसे ऊपर जो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं. ये लंबी वाली जो डंडी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट. और ये नीचे जो है ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो है ये जो दिख रहे हैं उनको हम कहते हैं ओव्यूल्स.
ठीक है। सो ये जो सब स्ट्रक्चर्स है वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, ओके। अब इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, दैट वर्ल इज एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, एक जो मेंबर होता है उसको हम कहते हैं स्टैमेन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैमेन। और हमें पता है कि स्टैमेन तीन चीज़ों से बनता है, एक होता है उसमें फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर, और एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव, ठीक है। और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, ठीक है। सो ये देखिए कैसे इवेंट से, मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का जो एक पार्ट, एक इंडिविजुअल पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं स्टैमेन। स्टैमेन तीन चीज़ों से बना हुआ है, फिलामेंट, एंथर, और इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव। और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं और अंदर उसके अंदर जा रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे अब ये एंथर का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर चाहिए वो है पोलन ग्रेन, बिकॉज इट इज़ अ मेल गैमेट। मेल गैमेट तैयार होता है इस एंथर के अंदर, इसलिए हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसमें जो है, जो इमैच्योर एंथर जो होता है, जो अभी तरह से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार नहीं हुए हैं, या फिर अगर तैयार हुए हैं तो वो भी वायबल नहीं है, ओके। सो हम अभी ऐसा सोचते हैं कि इस एंथर के अंदर कोई भी पोलन ग्रेन्स तैयार नहीं हुआ है, उसको हम इमैच्योर कहेंगे, ठीक है। अब ये जो इमैच्योर एंथर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सो ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, नाउ दीज आर सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ओके। समझो ये जो है ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है ये, ओके। और इसके अंदर जो भी सेल्स होंगे, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। सो ये हो गया, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू अभी अंदर है, ठीक है। सो ये जो पिंक कलर में दिख रहे हैं वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स, और बाहर जो वायलेट कलर में दिख रहा है, पर्पल कलर में, वो है सपोज ये एपिडर्मिस, ओके। सो बाहर वाला जो है वो है, ये है एपिडर्मिस, ओके, और ये अंदर वाला जो है वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। अब एंथर जो है, एंथर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोथिकस एंथर, दूसरा होता है डाइथिकस एंथर, ओके। मोनोथिकस एंथर, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। मोनोथिकस एंथर में जो है दो पोलन सैक होते हैं, दो पोलन सैक, ओके। सपोज अब एंथर जो है वो जनरली ऐसे होता है, ओके, ये एंथर होता है, यहाँ पर कनेक्टिव होता है, और ये हो गया फिलामेंट, ओके। अब मोनोथिकस जो एंथर होता है उसमें दो पोलन सैक होते हैं, एक होती है ये पोलन सैक, ये होती है दूसरी पोलन सैक। पोलन सैक मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोलन सैक। सो इसमें दो ही पोलन सैक होते हैं, उनको कहते हैं मोनोथिकस। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंथर्स जो होते हैं उनमें होते हैं डाइथिकस, जो होते हैं डाइथिकस। डाइथिकस में उनके अंदर होते हैं दो लोब्स, उनके अंदर होते हैं दो लोब्स और चार पोलन सैक, ठीक है। अब समझो मैं पहले आपको मोनोथिकस दिखाता हूँ। मोनोथिकस समझो ये हो गया, ये आपका हो गया एंथर, यहाँ पर उसको सपोज ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव है, इसके अंदर हो गए दो पोलन सैक, इसके अंदर हो गए ये दो पोलन सैक, और दो पोलन सैक के अंदर है ये पोलन ग्रेन्स, ये हो गया मोनोथिकस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाइथिकस। डाइथिकस में दो लोब्स होते हैं, दो ऐसे लोब्स होते हैं, यहाँ पर होता है कनेक्टिव और ये होता है फिलामेंट। अब ये जो दो आपने ये लोब्स देखे, हर एक लोब में जो है ये दो पोलन सैक होते हैं, ओके। सो दो लोब्स मिलके हो गए चार पोलन सैक,
ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, डायथिकस एंथर हैविंग टू लोब्स, दो लोब है, एक इधर वाला है, एक इधर वाला है, और चार पोलन सैक है, एक दो तीन चार, ऐसे चार पोलन सैक है, इसीलिए उसको टेट्रास्पोरेंजियट कहा जाता है। टेट्रा मतलब चार, ओके। सो चार स्पोरेंजियल सैक इसमें होते हैं, इसलिए उसको टेट्रास्पोरेंजियट ऐसे इसे कहते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम देख रहे थे कि ये जो इमैच्योर स्टेज का जो एंथर है उसमें पैरेंकाइमेटस टिश्यू है और उसको सराउंड किया है एपिडर्मिस से। अब आगे जो है, एपिडर्मिस के नीचे वाले जो सेल्स होते हैं, अब समझो, मैं आपको अलग कलर में दिखाता हूँ, ठीक है, ये हो गया समझो एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो, इसके नीचे जो सेल्स है उनको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, ओके, जो पैरेंकाइमेटस सेल्स थे मैंने पहले कहा था। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है उनका कन्वर्जन होता है आर्चिस्पोरियल सेल में, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है ये अंदर वाले सेल्स की। सो ये जो होते हैं, पहले होते हैं ये हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स का कन्वर्जन होता है आर्चिस्पोरियल सेल्स में, ओके, हाइपोडर्मल सेल्स दे गेट कन्वर्टेड इंटू आर्चिस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है, अंदर वाले जो मैंने कहा था, ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है उनमें क्या होता है, उनमें होता है सेल डिवीजन, वहाँ के जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं और वो फॉर्म करते हैं दो अलग अलग किस्म के, दो अलग अलग टाइप्स के सेल्स, एक होता है अंदर वाला सेल, दूसरा होता है बाहर वाला सेल। अंदर वाले जो सेल है, अंदर वाला जो सेल है उसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल, अंदर वाला जो होता है उसको कहते हैं स्पोरोजिनस, और बाहर वाला जो होता है उसे कहते हैं हम प्राइमरी पराइटल सेल, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ या फिर फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा ये सब कैसे होता है, ओके, यस। ये देखिए, ये आर्चिस्पोरियल सेल है, आर्चिस्पोरियल सेल कहाँ से आया है, हाइपोडर्मल सेल से, जो एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स में। आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवीजन होता है उनमें और वो तैयार करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स और पराइटल सेल्स, या फिर उसको प्राइमरी पराइटल सेल्स बोलते हैं हम। प्राइमरी पराइटल सेल्स बाहर की तरफ होते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म करते हैं पोलन मदर सेल, PMC बोलते हैं उसको, पोलन मदर सेल, या फिर उसको पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर, उसको बोलते हैं MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और फिर हमें मिलता है माइक्रोस्पोर, यानी कि पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी पराइटल सेल है उससे बनता है एंडोथीशियम, उससे बनता है एंडोथीशियम। ये प्राइमरी सेल्स एंडोथीशियम तैयार करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी पराइटल सेल। ये सेकेंडरी पराइटल सेल दो किस्म के सेल्स बनाते हैं, एक होता है टैपेटम, दूसरा होता है मिडल लैटरल सेल, मिडल सेल, ठीक है। अब ये सब कहाँ पर होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है, यस। ये देखिए, ये इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बाहर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर जो भी ये वाले सेल्स थे, मैं अभी इसको अलग कलर में दिखाता हूँ आपको, ये जो अंदर वाले जो सेल्स थे ये सब, इनको बोलते हैं, ये सब थे पहले, सब सेम थे, सब आर्चिस्पोरियल सेल्स थे। आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड हो गए इनर स्पोरोजिनस सेल्स में, ये हो गए इनर स्पोरोजिनस सेल्स और या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये बाहर वाले जो है, ये सब जो दिख रहे हैं हमें बाहर, ये वाले, ये हो गया प्राइमरी पराइटल सेल, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से तैयार होते हैं पोलन मदर सेल, अभी अंदर वाला जो है मैं आपको दिखाता हूँ पोलन मदर सेल, इसके अंदर जो है यस, इसके अंदर जो है पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल के अंदर जो है
यहाँ पर खूब सारे ये जो दिख रहे ब्लैक ब्लैक, ये हो गए पोलन ग्रेन्स, ये हो गए पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर वाले ये जो स्पोरोजिनस ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थे उनसे बनता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम मतलब ये जो बाहर वाला होता है एंडोथीशियम, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर है एंडो, उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आता है अपना ये जो मिडल लेयर्स, ये जो मिडल लेयर्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, ये होते हैं मिडल लेयर्स। यहाँ पर जो दिख रहे ये मिडल लेयर्स है, ये हो गए मिडल लेयर्स। और अंदर जो है ये हो गया आपका टैपेटम, अंदर जो भी प्रेजेंट है ये हो गया आपका टैपेटम, ठीक है। इस तरह से हमें जो भी एंथर है वो ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे फॉर्म होता है। अब ऐसे समझो बाहर सिर्फ एपिडर्मिस है, बाहर जो है वो एपिडर्मिस है ऐसे समझिए, ओके। और अंदर की साइड में जो है, अंदर है आपका जो भी स्पोरोजिनस, सॉरी ये जो अपना हाइपोडर्मल सेल्स है, ये वाले जो है ये सब हाइपोडर्मल सेल्स है, ऐसे ऐसे सोचते हैं ये सब हाइपोडर्मल सेल है। हाइपोडर्मल सेल जो है उसमें डिवीजन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, कुछ सेल्स बन जाते हैं अपने स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल्स, और कुछ जो होते हैं वो बन जाते हैं हमारे प्राइमरी पैराइटल, ये जो प्राइमरी पैराइटल है वो बन जाते हैं, ठीक है। सो हमारे कुछ सेल्स बन गए ये स्पोरोजिनस टिश्यू, और कुछ बन गए हमारे ये जो प्राइमरी पैराइटल है सेल्स वो बन गए, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू से हमें क्या मिला है, हमें मिला है यहाँ पर उसके अंदर जो है वो है जो मैं येलो कलर में दिखा रहा हूँ, पोलन मदर सेल्स की लेयर है, और उन पोलन मदर सेल्स में अंदर जो है आपको मिलेगा पूरे पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो बाहर साहब है, बाहर जो है वो है आपके प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है ये वाला एंडोथीशियम, ये वाला जो है बाहर वाला एंडोथीशियम बन गया। अब एंडोथीशियम के बाद में जो है एंडोथीशियम, ये ब्लैक लाइन के अंदर जो है जो कुछ लेयर्स है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी पैराइटल सेल। सेकेंडरी पैराइटल सेल से मिलते हैं हमें मिडल लेयर्स और टैपेटम, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो एंथर बन जाता है, ठीक है। इधर यही बोला गया है, ओके, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि जो इमैच्योर स्टेज का जो एंथर है उसके अंदर कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है हाइपोडर्मल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स आर्चिस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड होता है और दो तरह के सेल बनाता है, इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन होता है, वो बनाता है सेकेंडरी पैराइटल सेल, सॉरी प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है एंडोथीशियम। फिर जो रेस्ट ऑफ द सेल से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी पैराइटल सेल में। सेकेंडरी पैराइटल सेल जो है एंथर के वॉल लेयर्स बनाता है, वॉल लेयर्स होते हैं, ओके, वॉल लेयर्स मतलब आपके जो टैपेटम और मिडल लेयर्स है वो बनाता है, ठीक है। सो अगर हम एंथर वॉल देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे पोलन सैक कहते हैं, उसमें देखिए क्या होता है, एंथर का सबसे बाहर वॉल होता है, ओके। एंथर वॉल में जो है चार लेयर से देखिए, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है और फिर टैपेटम है। एपिडर्मिस सबसे बाहर का कॉमन वॉल है, फ्लैट सेल से बना हुआ, और उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। एंडोथीशियम उसके बाद आता है इनर टू द एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, और उसमें जो है थिकनिंग, सेल की जो थिकनेस होती है वो फाइब्रस टिश्यू से बनती है,
और उसके अंदर कैलोज नाम का एक कंपाउंड होता है, उससे वो थिक होता है। ठीक है, सपोज़ ये अगर सेल है, इसके जो सेलुलर थिकनिंग्स है यहाँ पर ज़्यादा थिक हो गया, देखिए ये थिक हो गया। वो क्यों थिक हो गया? क्योंकि यहाँ पर कैलोज नाम का कंपाउंड डिपॉजिट होता है, इसीलिए। ठीक है, और ये जो होता है एंडोथीशियम, उसमें एक थिन वॉल्ड सेल भी होता है, थिन वॉल्ड सेल जो हमें एंथर डिएसेंस में मदद करता है। एंथर डिएसेंस मतलब एंथर से एंथर बर्स्ट होता है, फट जाता है वो एक जगह से, और वहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, उसको कहते हैं हम डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और जिस जगह से, जिस थिन वॉल्ड सिंगल लेयर से जो डिहाइसेंस होता है उसको हम कहते हैं स्टोमियम, उसको कहते हैं हम स्टोमियम। ठीक है, ये जो फाइब्रस थिकनिंग्स होती है वहीं पर क्यों डिहाइसेंस होता है? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और वो डिहाइसेंस करने में मदद करते हैं, एंथर को बर्स्ट करने में, उसको टूटने में मदद करते हैं। बाद में आते हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, मिडल लेयर्स जो है एंडोथीशियम के अंदर होते हैं, एक से तीन लेयर होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए होते हैं। ओके, और मिडल लेयर्स के जो होते हैं, मिडल लेयर्स जो होते हैं दे सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम को वो कवर करते हैं। जब ये एंथर मैच्योर होता है तब जो है वो जो मिडल लेयर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, डीजनरेट बोलते हैं उसको। सबसे अंदर वाला लेयर जो है उसको बोलते हैं हम टैपेटम, इनर मोस्ट वॉल लेयर है, और वो जो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, हम फिर से एक वो वॉल लेयर्स, एंथर के जो वॉल लेयर्स है वो कैसे वो होते हैं वो हम देखते हैं। एंथर के वॉल लेयर्स देखिए, सबसे बाहर वाला है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है एंडोथीशियम, उसके बाद आते हैं मिडल लेयर्स, और सबसे आखिर में आते हैं टैपेटम। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर हमें दिखाई देगा, देखिए ये सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद जो आता है एंडोथीशियम, बाहर वाला लेयर जो है एंडोथीशियम, उसके बाद ये जो दो तीन लेयर्स वाले जो सेल है, ये जो आपको दिखता है दो तीन लेयर्स, उनको बोलते हैं मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर जो है वो होता है टैपेटम, वो स्पोरोजेनस टिश्यू को कवर करते हैं। सो इसको बोलते हैं एंथर वॉल लेयर्स, इसको क्या बोलते हैं? एंथर वॉल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे ये चार लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो टैपेटम के जो सेल्स होते हैं साइज देखेंगे हम, उनकी लार्ज है, लार्जर साइज है, साइटोप्लाज्म उनमें ज़्यादा होता है, और उनके अंदर एक या उससे ज़्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई या फिर पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस मतलब 2n, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मतलब 2n ऐसे होते हैं, या फिर 2n, 3n, 4n, 5n ऐसे न्यूक्लियाई उनके जनरली इधर होते हैं। टैपेटम का सबसे, देखिए टैपेटम क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ इधर। टैपेटम जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू को उसने क्या किया है, कवर किया है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करता है तो इसका कुछ बेसिक फंक्शन भी होगा। क्या फंक्शन है देखते हैं हम। टैपेटम बढ़िया फंक्शन है काफ़ी। टैपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं जो अंदर, यहाँ पर मैं आपको अंदर दिखाता हूँ या फिर इधर दिखेंगे आपको, देखिए ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स यहाँ पर अंदर है, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसको बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ओके, सो वो न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो ये टैपेटम करता है। ठीक है, सो टैपेटम जो है उसके अंदर और एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर होता है यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज बोलते हैं, रबिश नहीं, यूबिश बॉडीज। अब ये जो यूबिश बॉडीज है वो क्या करते हैं, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, एक केमिकल बनाते हैं, उसको कहते हैं हम स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स के ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सपोज़ अगर ये सपोज़ अगर माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है,
सो इस पोलन ग्रेन के ऊपर जो है एक ऐसी कवरिंग होती है, ये कवरिंग बनती है फ्रॉम स्पोरोपोलिनिन। ये जो कवरिंग है स्पोरोपोलिनिन से बनी है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ एक्जाइन, इसको बोलते हैं एक्जाइन, और ये अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, सो टैपेटम दो बहुत ही अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं टैपेटम के। सबसे पहले एक तो यहाँ पर जो भी पोलन ग्रेन से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दूसरी बात है कि टैपेटम जो है उनमें यूबिश बॉडीज़ होते हैं, यूबिश बॉडीज़ स्पोरोपोलिनिन करते तैयार करते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन्स के ऊपर होते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन है तो उसके अंदर जो है वो ऐसे ये जो एक्जाइन है वहाँ पर ये स्पोरोपोलिनिन जमा होता है। अब ये स्पोरोपोलिनिन ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल से डिग्रेड नहीं होता है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है ये। हम इसके ऊपर कोई भी केमिकल डाल दीजिए, अल्कोहल डाल दीजिए, फैट डाल दीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डाल दीजिए, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डाल दीजिए, एसिड डाल दीजिए, ये स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड नहीं होता है। उसी वजह से पोलन ग्रेन्स हमें लाखों करोड़ों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी अच्छी अवस्था में अच्छी स्थिति में हमें मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉम्पोनेंट। ठीक है, सो ऐसे होता है ये अपना स्पोरोपोलिनिन। ओके, स्पोरोपोलिनिन नॉन डिग्रेडेबल, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके ओके, इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता है पोलन सैक, पोलन सैक। ठीक है, अब ये पोलन सैक जो है इस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको पोलन सैक कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर्स को कैरी करने वाली सैक होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो होता है टैपेटम के अंदर। टैपेटम के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ओके, शुरू में ये एक कॉम्पैक्ट मास होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं डिप्लॉइड, ये होते हैं डिप्लॉइड। ओके, अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है, हमें पता है टिश्यू इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली फंक्शन करते हैं एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, जिन्हें हम PMC कहते हैं, MMC या फिर PMC, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, ऐसा सेल होता है इस स्पोरोजिनस टिश्यू का जिसके अंदर जब ये PMC या फिर MMC ये जो मैच्योर हो जाते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद माइटोसिस होता है, और ये तैयार करते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन तैयार करने की जो विधि होती है, जो प्रोसीजर होती है या फिर जो स्टेप होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये बनता है, सबसे पहले जो अपना आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल। इनमें होता है मियोसिस, और उस मियोसिस से जो है क्या तैयार होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स इससे तैयार होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो फॉर्म करते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स जो फॉर्म होते हैं, जो तैयार होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेट्रैड। वो टेट्रैड की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं इसका हम एक उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, अब ये जो है टिपिकल पोलन ग्रेन, ये नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है। जैसे क्लैमिडोमोनास के ज़ूस्पोर्स में हमने देखा था, उनमें फ्लैजेला होता है तो वो मोटाइल है। अब यहाँ पर कोई भी फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। दूसरी बात, वो हैप्लॉइड है, हमें पता है
एन नंबर है, यूनिसेल्युलर बॉडी है, सिंगल सेल सेल्युलर है और उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही सेल है, एक ही नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें नॉन मोटाइल है, उसके बाहर एक लेयर है, टू लेयर्ड वॉल है, उसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म, इसके बाहर एक वॉल है, ठीक है, ये बाहर वाली एक वॉल है और अंदर जो है वो एक वॉल है, बाहर वाली वॉल को हम कहेंगे एक्साइन, अंदर वाली वॉल को कहेंगे इंटाइन, ये दोनों मिला के कहा जाता है स्पोरोडर्म, इसको कहते हैं डर्म, डर्म इज लेयर, टू लेयर्स, माइक्रोस्पोर के दो लेयर्स होते हैं, ओके, एक एक करके देखते हैं हम, बाहर वाला जो लेयर है उसको कहते हैं हम एक्साइन, आउटर लेयर ऑफ स्पोरोडर्म इज एक्साइन, वो काफ़ी थिक होता है और वो मैंने कहा था एक कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल या सब्सटेंस से बनता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो एक्साइन होता है वो किसी किसी स्पेसीज में स्मूथ होता है या फिर किसी किसी स्पेसीज में जैसे कांटे होते हैं किसी फूल के ऊपर, फूल को वैसे उसका कुछ अलग सा पैटर्न होता है। सो हर एक स्पेसीज का एक अलग, एक डिफरेंट पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, हर एक उसके जो एक्साइन होता है, एक्साइन का पैटर्न हर एक स्पेसीज में अलग अलग होता है। अब कहीं जगह पर ये जो एक्साइन है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो थिन हो गया है या फिर वो एब्सेंट है, वहाँ पर उन थिन एरियाज को या फिर जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है वहाँ पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं जर्म पोर, उसको हम कहते हैं जर्म पोर। अब ये जो जर्म पोर है उसका फंक्शन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जर्म को पोर का, कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आने के लिए इस जर्म पोर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया है लेकिन जनरली जो है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, सपोज़ ये इंटाइन है और उसके बाहर जो होता है वो सपोज़ ये एक्साइन है, ओके, ऐसे इसको कवर किया है, ये हो गया उसका एक्साइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें जो स्पेस दिखाई दे रही है ये, इसको कहते हैं जर्म पोर, इसको कहते हैं जर्म पोर, वहाँ पर ये जो लेयर है वो, ये जो एक्साइन की लेयर है वो इधर थिन है या फिर एब्सेंट है, और यही से जो है पोलन ग्रेन जो है, यस, यहाँ से जो है ये जो अपना पोलन ट्यूब है वो बाहर आता है, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर आता है, ठीक है। सो इस जो भी पोलन ट्यूब है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऐसा है कि ये जो जर्म पोर है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऐसा है कि जब पॉलिनेशन के वक्त, सॉरी जर्मिनेशन के वक्त पोलन ट्यूब बाहर आने के लिए इस जर्म पोर का इस्तेमाल होता है। अंदर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन, ओके, ये थिन लेयर है, अंदर वाली है स्मूथ है और बनती है वो सेल्युलोज और पेक्टिन से, ठीक है। अब ये हो गया अपना पोलन ग्रेन। देखिए हमने क्या क्या देखा, शुरू में हमने फ्लावर देखा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, हमने एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम कहते हैं स्टैमेन, स्टैमेन बनता है तीन चीज़ों से, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ठीक है। फिर बाद में हमने एंथर देखा, एंथर तैयार, उसका एंथर का स्ट्रक्चर देखा, एंथर में पोलन ग्रेन्स कैसे तैयार होते हैं वो हमने देखा, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बाद में हमने देखा, उसमें दो लेयर्स होते हैं, बाहर वाला होता है एक्साइन, अंदर वाला होता है इंटाइन, बाहर वाले एक्साइन पे होता है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, ओके। और हर एक स्पेसीज का, प्लांट स्पेसीज का जो डिज़ाइन होता है बाहर वाला स्कल्पचर्ड, उसको पैटर्न बोलते हैं हम, वो होता है। फिर ये जो एक्साइन होता है वो हर जगह पर सेम थिकनेस का नहीं होता है, कहीं पर वो थिन लेयर्ड हो जाता है और फिर
और कहीं पर वो एब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं जर्म पोर, और उसी जर्म पोर से बाहर आती है पोलन ट्यूब पोलन जर्मिनेशन के दौरान। उसके बाद अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन, वो अंदर वाला है, थिन है, स्मूथ है और सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनता है। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है वो जब स्टिग्मा पर गिरता है, ठीक है, सो तो वो आइदर पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकालेगा या फिर वो बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, वो डिपेंड होता है पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पर, वायबिलिटी। सो व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? सो पोलन वायबिलिटी जो है इट इज द फंक्शनल एबिलिटी, वो एक पोलन ग्रेन की फंक्शनल एबिलिटी है टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करना और उसके बाद मेल गैमेटोफाइट तैयार करना। उसके बाद क्या तैयार करना है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है हम वो हम अगले लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, सो पोलन वायबिलिटी, पोलन ग्रेन वायबल है या नहीं वो डिपेंड होता है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक योर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे वो डिपेंड करता है कि वो पोलन ग्रेन वायबल है या नहीं। पोलन ग्रेन को हम अगर शुगरी सब्सटेंस में अगर डालते हैं तो शुगर सो राइस और वीट में उसे जर्मिनेट होने के लिए लगता है 30 मिनट्स, लेकिन कुछ मेंबर्स है फैमिली हमारे सोलेनेसी है, रोजेसी है, लेग्यूमिनासी है, इसमें महीनों लग सकते हैं पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये पोलन वायबिलिटी यहाँ पर जो चेक की जाती है। ठीक है बच्चों, सो आज के लेक्चर में हम रुकेंगे, अगले लेक्चर में जो है मेल गैमेटोफाइट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम, और जो भी बाकी की चीज़ें हैं जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गाइनोशियम हो गया, ओव्यूल, ओवरी, ये बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।